देरी तो हो गई है, पता नहीं कब आएगा ये काला चोर। इस काले चोर को ना वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है। हम उसे कहते भी हैं, वक्त को बर्बाद मत किया करो, वक्त की कदर किया करो, पर ये हमसे कहता है नथड़ी, लोगों को वक्त बर्बाद कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों मैं वक्त को बर्बाद करके लोगों का बदला ले लूं। बेवकूफ, पता नहीं कहाँ है ये, कब आएगा, जब आएगा तो हमारे बालों का नया अंदाज देखेगा भी या नहीं। मेरे जिंदा होने का इतना गम, ठीक है मैं जा रहा हूं। अर्ज किया है लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर कभी इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब हमें फर्क नहीं पड़ता वो हमें देखे या ना देखे, और वैसे भी हम यहां सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने हैं। तुम सुबह सुबह मेरा नाम मत बिगाड़ो ना चिड़ी। मेरी अम्मी ने बचपन में मुझे सिखाया था कि नाम काम और बाल कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। बाल नहीं, जुल्फे। हसीनाओं की जुल्फों को कोई घटा कहता है तो कोई काली रात, और मेरा बैजरू बैल की पूछ कहता है। वैसे तुमने हमें कोई नई बात देखी? तुम आज नहा ही नहीं हो, है ना? खामोश! तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गधे, उल्लू और बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता अलादीन। चुप रहो, हमारी बात सुनो। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते थे, क्योंकि तुमने हमें तैरा से बचाया, पर और उस बात के लिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। वैसे तुम्हें पता है क्या कि मुच्छर ने मिस्र की मुहिम पर हमला क्यों किया? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? वैसे ठीक है, तुम्हें कैसे पता? वो बात तो मुच्छर को ही पता होगी, लेकिन हम दोनों ने मिलकर मुच्छर को हराया है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊं नचड़ी कि मैं मुच्छर को हरा नहीं पाया, और अब अंगूठी की जिन की मदद से वो हमारे जिनों पर काबू पाना चाहता है ताकि वो बगदाद पर कहर ढा सके। क्या हुआ अलादीन, तुम परेशान लग रहे हो, मुच्छर के बारे में सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? क्या है ना, मेरी रातों की नींद, दिल का चैन किसी और ने उड़ा के रखा है, उस मुच्छर ने थोड़ी ना। किसने? शहजादी यास्मीन ने, और किसने? हम यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम उसके बारे में सोच रहे हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है। ऐसे इश्क को दीदार की जरूरत नहीं होती नकचुड़ी। ऐसे इश्क को फटकार की जरूरत होती है। तुम्हें पता है, मैं ये सोच रहा हूँ शहजादी भी क्या कर रही होंगी, उन्होंने अपनी जुल्फे कैसे बनाई होंगी। हाँ, काश मैं पतंग होता और मेरी जिंदगी की डोर शहजादी यास्मीन के हाथ में होती। हाँ, लेकिन महल में रहने के बाद भी मैं शहजादी से कितना दूर हूँ मुझे भी नहीं पता होगा कि कोई है जो उन्हें देखने के लिए तरस रहा है। पतंग? बेटी की तुम
ये कोई मामूली पतंग नहीं है, इस पे जहरहाल का चेहरा बना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई तिलस्मी पतंग है और मुच्छड़ और अंगूठी का चिन्ह इस पतंग के जरिए जिन्हों तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। क्या हुआ? अभी तो तुम बातें कर रहे थे और अचानक से बाहर देखने लगे। शहजादी यास्मीन दिख गई क्या? नेक्स्ट मुझे घर के लिए फौरन लौटना होगा। घर पर क्यों? जिनू जिनू बहुत बीमार है और मैं उसे दवा देना भूल गया। मैं अभी ना, सुनो मैं यूं गया और यूं आया, तब तक तुम यहाँ का काम संभाल लेना, ठीक है? पर अलादीन, वरना तुम क्या मुझे डराओगी? वो क्या है ना, बच्चों के लिए एक बार डर जाओ तो दोबारा नहीं डराते, है ना? सोच लो, क्योंकि हम वो हैं जो तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मतलब ये कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं। मैं मुझे शहजादी से मिलवाओगी? सुनो ना, जाओ ना, जाओ अपना काम करो और सुनो मुझे भी करने दो। बदतमीज इंसान हो तुम। शायद तुम भूल गए हो कि हमारी पहचान कितनी ऊपर तक है। हमें तो लगता है कि तुम्हें शहजादी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो। रहने दो, से ना हो पाएगा। मछली, सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? चड़ी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो लाके दूंगा, बस मुझे एक बार शहजादी से मिलवा दो। तुम्हें हीरे चाहिए मैं तुम्हें हीरे लाके दूंगा, चुरा के लाऊंगा लेकिन लाके दूंगा। तुम्हें मोती चाहिए मैं मोती मिला के दूंगा, लेकिन शहजादी से मिलवा दो। हमें इन सब से कुछ नहीं चाहिए अलादीन। हाँ लेकिन अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो हमारे हाथों से अभी इसी वक्त, ये मिर्ची खा के दिखाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।